वे किधर जा रहे हैं? से बकवास इंसान लोग हैं ना यहाँ पे। अभी आगे गाड़ियाँ हैं, पीछे से हॉर्न दे रहे हैं मुझे। तो गाइस, ओंकारेश्वर को अलविदा कहने का हमारा टाइम आ चुका है। और ये है वो होटल जहाँ पे हम लोग रह रहे थे, होटल श्री बालाजी। ये 3 किलोमीटर पहले है ओंकारेश्वर से, ओंकारेश्वर मंदिर से। तो इट वॉज अ गुड डील दैट वी गॉट। और अभी निकल रहे हैं यहाँ से, यहाँ से अभी हम जा रहे हैं इंदौर। इंदौर का मैप लगा है, इट्स शोइंग टू अस 22 मिनट्स फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 79 किलोमीटर्स। गाइस, कल हम जब आए थे तो अंधेरा हो चुका था, तो आप ये नहीं देख नहीं पाए। ये देखिए, ये बुलेवार्ड जैसे होता है ना, मतलब बुलेवार्ड ही है ये, दोनों तरफ पेड़ है और बीच से रास्ता जा रहा है। सुपर लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। कल से आज थोड़ी ज्यादा गर्मी है। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के दिन में हमने सुबह परिक्रमा की और बोटिंग की, और अभी हम निकले हैं इंदौर के लिए। तो वो वीडियो मैं अलग बनाने वाला नहीं, तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए ये वीडियो अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ से निकले हैं फॉर इंदौर, विच इज 79 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्लेस वेर वी स्टार्टेड, जो होटल था वहाँ से। और उसके लिए दिखा रहे थे 2 घंटे 22 मिनट। 2 घंटे 22 मिनट में 79 किलोमीटर बहुत ज़्यादा है, बट मेरा अंदाज़ा ये है कि रोड छोटे होंगे और ट्रैफिक भी हो सकता है, और इसी वजह से इतना टाइम लगने वाला है, गूगल आंटी बता रही है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, खुद देख लेते हैं क्या है हालत और कितने में पहुँचते हैं, आपको बताते हैं। सो गाइस, अभी हम फिर से नर्मदा क्रॉस करें। और जब हम यहाँ पे आए थे शाम हो चुकी थी। पानी तो है, मतलब डैम है तो पानी जब छोड़ते हैं तो पानी आ जाता है, बाद में वापस से सूख जाता रहेगा। तो गाइस, ये अभी एक छोटा सा घाट शुरू है। अब देखो ये दोनों तरफ है ना, काफी सारे झाड़ है, और ये पेड़ जो है ना, ये सागवान होते ना, टीकवुड, ये उसके हैं। तो मैंने एक नोटिस चीज किया कि ये एमपी में टीकवुड बहुत है, मतलब रोड के दोनों तरफ है ना, काफी सारे टीकवुड के प्लांटेशन दिखेंगे। अब यार ये राइट जाना है, लेफ्ट। हाँ, ओके। यहाँ पे एक मजबूत सा जाम लग गया, आप देख सकते हो, पता नहीं क्या हो गया। सो गाइस, ये जाम लग गया है और पता नहीं, ये कुछ बताएंगे ना कितने मिनट का है, क्या है, शायद से कुछ एक्सीडेंट हुआ है, पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइविंग स्टाइल है इन लोगों का बहुत खतरनाक है। मैंने देखा, नोटिस किया। इनफैक्ट अभी हम लोग जो घाट, अभी थोड़ी देर पहले घाट था, तो घाट से हम आ रहे थे, तो घाट में एक स्विफ्ट वाले ने मुझे अच्छा खासा दबा दिया, जबकि वो देख रहा है कि मैं जा रहा हूँ साइड से उसके। देख सकते हैं बाइक पे एक गद्दा है, कुत्ता है, बच्चा है, और पता नहीं क्या क्या है, पूरा घर साथ में लेके चल रहे हैं ये। इसी वजह से हमको रुकना पड़ रहा है, नहीं तो हम थोड़ा आगे निकल सकते थे। ये नहीं जा पाएगा यहाँ से, और जब तक ये नहीं जाते हम नहीं जा पाएंगे। A few moments later. So guys, देख सकते हो बहुत बुरा जाम लगा हुआ है, मतलब मैं लिटरली गिरते गिरते बच गया, एक कॉर्नर से लेते जाते जाते। ओके, प्रॉब्लम की जड़ ये है, देखो ये फंस गया यहाँ पे, बंद पड़ गया, और अभी यहाँ से एक एक करके गाड़ियाँ जा रही है। अरे यार, यहाँ पे और कुछ हो गया। ओके, ये भी बंद पड़ गया। कुछ अलग ही पंगा लग रहा है ये। मेरी भी गाड़ी का शायद से क्लच प्लेट का कुछ इशू हुआ है, मतलब पता नहीं ये भाग नहीं रही गाड़ी,
इंजन भागता है लेकिन गाड़ी भाग नहीं रही है, ये भी चेक करके लेना पड़ेगा मुंबई में जाके। ये बस वाले ने इतना राइट में, इतना राइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी उसको, क्योंकि काफ़ी जगह है लेफ्ट में। तो किधर जा रहे हैं? से बकवास इंसान लोग हैं ना यहाँ पे। अभी आगे गाड़ियां है, पीछे से हॉर्न दे रहे हैं मुझे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? वैसे जहां आप देख सकते हो इतना गंदा जैम और इतना गंदा सेंस ऑफ ड्राइविंग मैंने कभी भी नहीं देखा। मतलब किसी को कुछ लेना देना ही नहीं। देखो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, देखिए मतलब सेंसलेस लोग है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। 2000 years later वही तक लोग मिलते गए जानते जाते। हर हर महादेव। चलो एम्बुलेंस 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 एम्बुलेंस। अंकल कहाँ कर रहे हो? तो गाइस खाना हो चुका है। दिस इज़ द प्लेस वेयर वी हैड द फूड। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा की बैटरी डाउन हो गई थी। पता नहीं पिछला मतलब इसके पहले कितना रिकॉर्ड हुआ, कभी ख़त्म हुई पता ही नहीं चला। तो खाना बहुत सुपर था, तो अभी यहाँ से चल रहे हैं, अभी रूम पे जाएंगे एंड देन आगे का बताते हैं आपको। सो गाइस अभी हम इंदौर क्रॉस कर रहे हैं, मतलब और एक आध किलोमीटर में हमारा होटल आ जाएगा। वैसे तो रोड वगैरह काफ़ी चौड़े हैं, सब कुछ है, बट कोई कभी भी कहीं से भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। लेफ्ट ना देखो, राइट ना देखो, सीधी गाड़ी आ जाती है। और खुद को, आपको खुद को बचाना पड़ेगा बस भाई, आपकी सुरक्षितता आपके हाथों में। तो अभी ओमकार ने गूगल मैप पे लगाया लोकेशन, मैं बस उसको अंधे की तरह फॉलो कर रहा हूँ। मतलब अंधे की तरह नहीं, आंखें हैं, आंखों मतलब बिना सोचे समझे फॉलो कर रहा हूँ। जहाँ पे लेके जाएगा वहाँ पे मैं पहुँच जाऊँगा। सॉरी, मैंने राइडिंग पैंट्स में भी लाइनर लगाया और जैकेट में भी लाइनर लगाया, इसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो रही है। वैसे माहौल तो वैसे मौसम अच्छा है, बट ये सब पहनने के बाद गर्मी हो रही है। अभी जैसे ही रूम पे जाऊंगा निकालेंगे, सब फ्रेश हो जाएंगे, थोड़ा आराम करेंगे छत से और फिर निकलेंगे इंदौर एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे टाइम तो बहुत कम है, मतलब आप बोलोगे इंदौर एक दिन में या एक शाम में एक्सप्लोर करोगे तो गलत बात होगी, क्योंकि ये एक शाम में एक्सप्लोर करने मतलब कोई भी जगह एक शाम में एक्सप्लोर नहीं होती। उसके लिए वहाँ पर आपको घूमना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो फेमस होती है, जहाँ पर सब लोग जाते हैं, पर ऐसी भी चीज़ें हैं जो इतनी फेमस नहीं होती है लेकिन बहुत अच्छी होती है। तो चलो शायद से हमको यहीं पे लेफ्ट या राइट कुछ लेना है, तो मिलते हैं आपको होटल पे।